पब्लिक को पता ही नहीं गाड़ी के बारे में। हाँ बल्कि वो तो डिब्बा उसके बारे में तो क्या ही पता करना। यार सीरियसली चीज बताओ भाई, फीचर्स दे दिए भाई, बात है रिलायबिलिटी की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई एक बार हाथ में सामान देख लो, गोलगप्पे के पैकेट, लैपटॉप, मतलब कल तक आया ना हूँ मैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं व्लॉग स्टार्ट करने में। बट अभी एक सीन है छोटा सा कि मेरे को इंपॉर्टेंट काम है गाड़ी से रिलेटेड, जो कि है बैंक का, तो बैंक में जाना है और उसके बाद और उसका काम करना है। लक्ष्य अर्चित उस साइड से मेरे घर पहुंच रहे हैं। आगे की कार्रवाई बहुत हेक्टिक डे होने वाला है क्योंकि आज एक मीटिंग भी है मेरी, और भी देखते हैं क्या क्या सीन होएगा। तो अभी पहुंच रहा हूं मैं सीधा बैंक, वहां से मेरे को दो चीज़ें कलेक्ट करनी है, वो चीज़ें कलेक्ट करके सीधा चलेंगे घर पे। भाई मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी वालों को ना यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए, मतलब पार्किंग के उसमें या फिर किसी भी सोसाइटी में, तो उससे क्या होता है धूप से बच जाएगी गाड़ी, जिससे अंदर हीट हो जाए ना पूरी गाड़ी बच जाएगी। मैं सोच रहा था इसको लेके जाऊँ बट नहीं, अभी नहीं, काली रंग की सीटें हैं इसकी, हम लेके चलेंगे हमारी बड़ी रानी को। इसका कलर यार थोड़ा वैसा सा, इसमें कोटिंग करवाऊंगा मैं, देखिए इसका, देखिए इसका कलर देखो कैसा सफ़ेद सा, और इसका कलर थोड़ा वैसा मतलब पर्ल वाइट। बट कोई नहीं, इसकी बारी है आज, वैसे इसी की बारी रहे, वैसे सारा दिन साफ सुथरी खड़ी है, दो दूक है ये, तो अब चलेंगे भाई सीधा बैंक में। अपने बैंक का काम हो चुका है और इसमें इतनी महंगी चीज़ लेके आया हूँ ना मैं, मतलब ये छोटे से लिफाफे में इतनी महंगी चीज़ है, तो मैं पता नहीं चेकबुक भी इसके नीचे दरी है, पर चलो कोई नहीं। अब भाई मैं निकल रहा हूँ घर की साइड, लक्ष्य और अर्चित भी सीधा वहीं पे आ रहे हैं। सुबह सुबह कही थी मैं, कहा भाई अमृतसरी कुलचे खुआ लाओ ले आओ, एक कह रहा हूँ, कह रहा भाई मैं तो अपने कॉलेज आ गया, एक कह रहा भाई मैं अपने गाँव आ गया। मैं कहा ठीक है भाई कर लो, तुम कर लो, तुम्हारा भाई भूखा रह लगा, कितनी चिंता ना इतनी सी भी, मैं एड्रेस डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, किसी को खाना खुना भिजवाना उन्हें मेरे लिए भिजवा दिया करो प्लीज़ यार। खुद गोलगप्पे जो मैं हाथ में पैकेट ले रहा था ना, वे मंगा के खाए मैंने, और एक गोलगप्पा तो खा भी ना पाया मैं ढंग से, मतलब पानी खत्म हो गया था, मैं पानी का वो चासड़ू भी तो ज़्यादा हूँ ना भाई। यो मेरे साइड में तो गई अभी ग्लोस्टर, जो MG ग्लोस्टर, जो उस दिन अरुण भाई कह रहे थे कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, और वो भी कह रहा था इंडियन बैकपैकर भी कह रहा था ग्लोस्टर लूँगा ग्लोस्टर लूँगा, भाई ग्लोस्टर जारी। और इसके बारे में मतलब मेरे पे बहुत सारे मैसेज आए, आपने भाई आपने ग्लोस्टर के बारे में ऐसे बोला, ग्लोस्टर में बहुत फीचर है, ग्लोस्टर ये ग्लोस्टर वो, भाई ग्लोस्टर तो ओपन चैलेंज है ड्रैग रेस का भी, और अभी आगे बातचीत करता हूँ रुको। भाई ग्लोस्टर कुछ नहीं है यार, फॉर्चूनर के आगे भाई ग्लोस्टर, वैसे सच बताऊँ ना इनोवा के आगे भी कुछ ना है यार, मतलब एक डिब्बा सा दो चार फीचर के गेट दिए तमने नू लगा है। इनते पता क्या, जितनी टेक्नोलॉजी गाड़ी बढ़ेगी ना, तुम टेक्नोलॉजी के उतने गुलाम बन जाओगे यार। गुलाम का मतलब वैसे नहीं कि कभी गुलाम बन जाओगे, बट तुम उसी के सहारे हो जाओगे कि भाई ऑटोमेटिक ब्रेक, भाई गाड़ी अपना आप ले लेगी, गाड़ी अपना आप रुक जाए, के मेरा काम ना करे, है तो मशीन ही है तो मशीन ही, के मेरा भाई काम ना करे यार, ठुक जा तुम्हारी गाड़ी अगले की भी ठुकाई हो जा, तुम्हारी भी ठुकाई हो जा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से इंडिया में अभी उतनी ना आई है कि लेन असिस्ट वगैरह और भी जितने जितने फीचर हैं। ग्लोस्टर के बारे में मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर किसी भाई के पास अगर ग्लोस्टर है ना तो मेरे पास ले कर आना, मैं ग्लोस्टर देखूंगा देखा कैसी गाड़ी है। रिव्यू मैंने सुने कुछ लोगों से अच्छे सुने, कुछ लोगों से बुरे, बल्कि बहुत बुरे सुने, तो एक बार खुद देखूंगा, खुद की आंखों पे भरोसा करूंगा कि भैया ग्लोस्टर में ऐसा क्या है, अच्छी गाड़ी है बुरी गाड़ी है, तो मैं सारी चीज़ बता दूंगा। बट जब अब तक जितना बता पा रहा हूँ, ग्लोस्टर मेरे साथ सही गाड़ी नहीं है, और ये नू ना है कि भाई फॉर्चूनर वालों ने या फिर टोयोटा वालों ने मेरे पैसा दे रखा है इस वजह से मैं इनकी पढ़ाई करूँ, भाई पसंद है यार इसलिए तो लिए, 50 लाख रुपये फूक के नू सब कोई ना ले लेना फिर। और जो ग्लोस्टर ले रहे हैं पता ना मेरे हिसाब से इनमें बहुत पैसा एक्स्ट्रा, इसलिए ऐसी बेफालतू की गाड़ी ले रहे हैं। हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने, भैया भैया शाही कुल्फी दे दो, एक शाही कुल्फी एक, हाँ और कितने बैठे गाड़ी में। आज तो भाई नई डिश लेके आई है, शहतूत को आएगी, हमें शहद खाते आ गए शहतूत, कई लोगों ने तो पता भी ना होंगे ना जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि शहतूत क्या रहा है भाई, ये देखो ये शहद, अरे बर्तन मत दिखा यार गंदे मोटे, क्या कर रहा है तू यार, शिट भाई सारी चीजें गंदी कर दी तेने तो। ये शहतूत होते हैं भाई, ये पेड़ों पर लगते हैं, मोटे कौन से पेड़ पर लगते हैं बता जल्दी, अबे शहतूत के पेड़ पर लगे, जैसे अमरूद अमरूद के पेड़ पर लगे, खट्टे के पेड़ खा सकू मैंने, खा लू मैं कुटा के, काला वाला खाऊं या फिर यो खाऊं, कोई से भी खा ले, कोई भी खा, कीड़ा तो ना इनमें, कीड़ा तो ना है इनमें, तू खा पहले, मैं तो मतलब कीड़े इनमें, अच्छा चाय पी रखे, ओहो अंगूर भी रखे हैं आज तो मोटो अंगूर भी रखे, पर गोल वाले ना लंबे वाले लाए करो यार, ये मीठे हैं, ओहो कती टिकटोकर हो भाई, ये तो हो गई चलो वो वाली बातें, फ्रूट्स वाली बातें, अरे यो सही था शहतूत अच्छा था, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ खाने का क्या है मोटे, पहले कब खाया सच्ची सच्ची बताइए, बहुत टाइम होगा माँ कसम मेरे साथ तो 4-5 साल हो गए, खाने का बता, खाने का सिस्टम बता, पुलाव बना रखे, कहाँ है पुलाव, हमें ना दिख रहे, हमें तो नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, यहाँ तो रायता है, नो पुलाव, इसमें आप खोल ले, आप खोल, इसमें पक्का, और इसी में ही है, इसी में ही, 5, 4, 3, 2, 1 ना स्वाद है खुद, तो आया क्यों ना टाइम पे, पर अरे मोटे मैं बैंक का काम कर रहा था, मैं अब स्लीपिंग, अरे ऐसी नींद आई मुझे तो मां का नाम सो ही गया मैं, सो भी थी, अच्छा जी आप यहाँ सो रहे थे मैं उधर सो रहा था, आपकी आत्मा आ गई होगी मेरे अंदर, बैड जोक। इस चीज से भाई मुझे एक चीज पता लगी कि दुनिया कितनी झूठी है,
लक्ष्य अर्चित मतलब कितने झूठे हैं हैं भाई, 2 घंटे हो गए। नु कह रहे भाई हम आपके घर पहुंच रहे हैं, भैया घर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ऑफिस पा जाओ, कह रहे भाई वहाँ आ जाएंगे। नु कह रहे निकल लिए, फोन आया मैं बैंक में था जब, कह रहे भाई हम ना सीधा घर ही आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी निकल लिया, आ जाओ। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत। अब नु बता मोटे जल्दी फोर टाइम सुनी नहीं रहा, सुनी रहा। मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर बढ़िया, एमजी ग्लोस्टर बढ़िया, तेरी बढ़िया है। एमजी ग्लोस्टर क्या है, गाड़ी का नाम है, देखी भी मैंने गाड़ी हो, कैसी हमारी अच्छी है। हाँ ये तो सबको पता है, सबको डिब्बा। देख मैंने नहीं कही थी, मैंने नहीं कही थी कि डिब्बा सी है, पर वो डिब्बा सी है भाई। कुछ ना बैर चल रहा है मेरा एमजी ग्लोस्टर से। जिस जिस भाई पे एमजी ग्लोस्टर है ना, वो निखिल ने भी एमजी ग्लोस्टर ले ली, उसके पास जाऊंगा। मैंने गाड़ी दिखाई, ये भी है, ये तो बात है। और सॉरी सॉरी ग्लोस्टर भाई, ये छोरा मेरे दो आया अनु, कह रहा भैया आपको ना आपका कर्मा हिट करेगा। मैं कहा भाई मैंने ऐसा क्या बुरे कर्म कर रखे जो कर्मा हिट करेगा मेरे को। भाई बुरे कर्म तो नहीं है, पर स्टिल कि ऐसा कुछ करो ही मत। ओए ओए सुन अपनी वो कहानी सुनाना जो तू अभी सुना रहा था। भाई इतने कर्मा की अभी कहानी सुनाई मेरे से। भाई एक बार सुना दे, जिनको पूरा खानदान भाई कर्मा से मारा हुआ। भाई जिन्होंने हमारे साथ बुरा करा उनके साथ बुरा हो गया। तो वे कौन कौन मत, अच्छा चल वे अपना रिश्ता मत बताए उनसे क्या है, पर उनके साथ क्या क्या हुआ ये बता दे। भाई तो मंडे टाइम में भाई जब घर वर नहीं था मम्मी पापा के पास, तो भाई जो लोग कहते थे कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम गरीब हो, ये सब हो, भाई उस टाइम में उनके पास घर भी होता था, गाड़ी भी करती थी। आज ना उनके पास घर है ना गाड़ी है ना खाने के लाले पड़ रहे हैं उनके पास। तो वे क्या खावे फिर, कुछ ना खावे भाई, धक्के खावे, धक्के खावे। और दूसरी भी तो बात बताई थी तेने भाई, तो वो तो बहुत पहले की बात है। अरे वो वाली बात बता, मेंटल वाली। भाई इनकी फक्ड अप फैमिली है भाई। भाई इतना कर्मा किसको हिट करता है, और कितने साल बाद क्रिएट कर रहा भाई, 20-25 साल बाद। भाई कर्मा थोड़ा इनका स्लो है, इनके कर्मा की साबुन स्लो है, 20-25 साल बाद आ रहा भाई हमारे यहाँ तो गैल गैल कर दे हुए आज के टाइम में। भाई अगर ऐसा होता ना, तो इतना बोल ना रहे थे। मेरे बुरे कर्म याद आ गए मुझे सारे, पर भाई सच बताऊ ना, देखो ऊपर वाले से बड़ा तो कोई नहीं है। No doubt. देखो भाई ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है मेरे हिसाब से। और ऊपर अब जैसे मन में कोई हम सोच रहे हैं, जैसे मैं किसी का बुरा चाह रहा हूँ, किसी का कुछ भी चाह रहा हूँ, तो उनको पता है भगवान को कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस हिसाब से वो सजा देता। बिल्कुल समझ रहा नहीं, वो वाली बात है कि आप किस इंटेंशन से वो काम करते हो। और मेरी इंटेंशन, मैं मेरे को इसलिए कर्म हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन क्लियर है, राइट? ये वाली बात है भाई, जिसकी इंटेंशन गलत होती है वो आज नहीं तो कल कर्म हिट करेगा और बहुत बुरा करेगा। भाई मैं ना, मैं नू समझ लो किसी के 10 रुपया भी ना, मतलब वो ना करूं कि किसी के हक के 10 रुपया भी ना खाऊं। अरे ये बड़ाई की बात है, किसके 10 रुपया खा लिए, हाजिर आओ मुझे देख के, किसके 10 रुपया खा लिए, तेरे 10 रुपया खा लिए। इस मामले में आप बहुत अच्छे हो, और जो बाकी जो आपका एंगर इश्यूज है ना थोड़ा, अरे गुस्सा वुस्सा वो तो अलग चीज है, वो कर्मा मेरा गुस्सा कर्मा मेरे खा जाएगा है भाई। तो गुस्सा तो दूसरे पे निकलता ना, तुम पर गुस्सा करता हूं मैं, बीटी दे दी मेरे को बोल के, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई। मैं इतना अच्छा आदमी हूँ ना यार, इतना अच्छा आदमी तुम्हें नहीं मिल सकता कहीं भी, मिल सकता है नहीं। इतनी अच्छी औरत मिल सकती है तुम्हें, जितनी लक्ष्य है ना अंजलि जितनी अच्छी है। पर कोई नहीं भाई, देखो ऊपर वाला बहुत समझदार है, ठीक है। अगर मेरी इंटेंशन खराब होगी मुझे सजा मिल जाएगी किसी भी बात की, अगर मैंने कुछ बुरा करा हो किसी के साथ, और तुझे भी मिल जाएगी, तुझे तो मिल ही रही होगी भाई, मेरे साथ दे दिया ना तेरे को। भगवान कर तू एल्विस के साथ रहे, तुम सारे नीच हो सारे, अर्चित तू और एल्विस नीच। पर हम भाई अच्छा काम भी तो करेंगे भाई, हम हमारी इंटेंशन कितनी प्योर है। हाँ यार इंटेंशन तो बहुत प्योर है, मैं क्या कह रहा हूँ, स्कैम वैम करवा देंगे भाई। मैंने बात तो करी बैंक में है कुछ 200-300 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा, मैं कहीं तक कुछ करवा दे, सिस्टम विस्टम हम भी लेगा, भग जा कंट्री के बाहर यार। भाई बात कर लेता हूँ, पासवर्ड बन रहा है मेरा, फिर पब्लिक को तो बेवकूफ़ बना दूंगा कि मेरी इंटेंशन क्लियर है। मैं करवा को स्कैम वैम करवा बैंक से करता हूँ, सुन ली क्या। नहा धो के ऑल सेट एंड ऑल टाइम माई फेवरेट टी शर्ट, अब जा रहे हैं भाई, एक मीटिंग है हमारी छोटी सी एक कंपनी से है। तुम सोच रहे हो ना ये खाली डोल है, खाली ना डोल है, हमारी भी रहे थोड़ी बहुत मीटिंग, वो मीटिंग के बाद जाएंगे जिम पहले, उसके बाद ना एक बार अज्जू तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि कल मेरा फोन आया नू कह रहा भाई मैं ना काम करता हूँ, मैं ना जा रहा हूँ ट्रिप पे, और जब इनके पेपर खत्म हो जाएंगे ना मैं दोबारा आ जाऊँगा, दोबारा ट्रिप पे चलेंगे। मैंने कहा भाई आराम से बैठ के बात करेंगे यार। भाई तू देख रहा कितना ट्रैफिक लग रहा है इस साइड तक, गाड़ी चल रही है, और यो देख लो यो इतनी देर तक देख रहा हूँ मैं, यहीं पे ही है ये बछड़ा गाय का, बछड़ा ही है ना, बछड़ा ही है।
अब भाई क्या कर सकते हैं बता, लक्ष्य क्या इनका सोल्यूशन है? रोड पे तो ऐसे अंधेरे में कोई दारू पी का हुआ है तो भाई मार भी सके, इसने कोई दिक्कत ना, ये कि किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा भाई, इनकी सिक्योरिटी ले है ना। तो हम ही ना कर दें इसने गौशाला में दाखिल, भाई कर सकते हैं, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं गौशाला वाले ले मैं ना। हाँ ले लेंगे भाई। बीच में भी एक छोरी जा रही थी, मतलब न्यूली मैरिड थी, चूड़ा पहन रखा था, तो इसने पता क्या बोला, अरे चल रहे अरे चलना रही यार अपने अपना क्या मैंने कही है तू कह रहा भाई इसका हस्बैंड कितना लक्की है यार, कितना लक्की है भाई, क्यों भाई? भाई मैंने कुछ नहीं बोला, ये अपने अंदर की बातें बता रहे हैं मेरे नाम लेके, मैं अपने अंदर की नीचता बाहर निकाल रहा हूँ। कह रहा भाई इसका हस्बैंड लक्की है भाई, मैं कह रहा उसका नाम लक्की है, कह रहा नहीं भाई लक्की है भाई, क्या मतलब है? पब्लिक जानना चाह रही लक्की का मतलब कैसे क्या है ऐसा उस लड़की के अंदर जो आदमी लक्की है। भाई ये बंदे बीच में क्यों चल रहे रोडों पे, ये चार सलमान भाई बन जाऊं मैं कह रहा हूँ भाई बताना भाई, ये तो आप बताओगे, आपने कही यार शिट भाई झूठा व्लॉग में झूठ बोल जाए तो भाई इससे बड़ा झूठा मैंने देखा नीच। ये अंकल जा रहा ना, इसकी बहू है लक्की। वैसे भाई अब सच्ची हूँ तो बता दे कि वैसे क्यों था, क्या था उस औरत में ऐसा जो लक्की थी, मतलब लक्की है उसका पति, हमने कैमरा ऑन कर रखा होगा। अबे यार अबे भाई ऐसे करने की ना है भाई, लड़ाई बची भाई, लड़ाई बची गार्ड और गार्ड की लड़ाई बची भाई। ओ शूट भाई वो तू भी जा, एक और गार्ड चला जाएगा उधर। मैं कहा हाथ में इतना दर्द हो रहा था, यो यूज करना पड़ेगा, आवाज आ रही है इसकी, आवाज गलत करता है, आवाज ना भाई, अरे आवाज तो आ रही झरझर झरझर करके तेरे को सुनाई दे रही है। अज्जू भाई यार आपने दिल तोड़ दिया भैया, नहीं मैंने दिल तोड़ा भाई, दिल तोड़ दिया भाई, अज्जू भाई वो वाला दोस्त नहीं होता कि भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे, चल मैं जा रहा हूं। और चला गया भाई, इस टाइम भी जा रखा है भाई, तो भाई ये बैठा हूं मैं तैयार, कहां बैठा मैं भाई, भाई फिर कब जा रहे हो ट्रिप पे? लैपटॉप हो जाना सही, लैपटॉप 10 दिन में होगा ठीक, वही तो बात है, कौन से उसमें मेरे तय जगह बताओ कहां है वो एडमिट, वर्ल्ड मार्क में ना, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, वो 10 दिन तक पहले तो आवे ना यार, वो लैपटॉप बिना क्या करेंगे जाके, है ना, ये है कि वो अभी पक्का भी नहीं पता, अभी वो कह रहे कि आज बात हुई, कह रहा भाई पार्ट आने को 2 दिन में भी आ जाए ना, तो हफ्ता लग सकता है, हफ्ता लग जाएगा भाई, हफ्ता ना ज्यादा 2 हफ्ते भी लग सके भाई, मैं कह रहा हूँ भाई अगर वो आ गए चलो पहले भाई हमारे बिना ट्रिप पे निकल जाओगे भैया, पलट का ब्लॉग में भाई निकल रहा, अरे मतलब ये नहीं कह रहा मैं नहीं निकलूंगा भाई, तेरा काम है और तेरा काम जरूरी है और इनका है पेपर, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, चलो क्या ही जरूरी है, नहीं एग्जाम तो भाई हाँ जरूरी है ठीक है, दूसरी चीज पलट को भाई कौन कह रहा है बात, देख लो एग्जाम तो बहुत जरूरी है, अभी क्या कह रहा था मैंने, मक्का दर तो पढ़ने की, तो वैसे भी इसी फील्ड में आना पढ़ने की जरूरत है इसमें, हां भाई फिर वो कहां जा रहे हो, जगह कौन सी है, शिमला मनाली नारकंडा, अब की बार अब की बार जा रहे धर्मशाला जा रहे हो, धर्मशाला खजिया जा रहा हूं ना मैं, सो दीपी जा रहा है, दीपी तो भाई के दोस्त जा रखी तेरी भी कोई नहीं, हम तो क्या ही अभी ऐसे करेंगे और फिर आके चलेंगे तगड़ी जगह, तगड़ी जगह चलोगे तो वो आओ भाई ठीक है, हमारे बिना भाई, भाई बिना नहीं है, देखो मैं कह रहा हूँ देखो भाई लेके जाऊंगा और भाई जन्नत दिखा के लाऊंगा, ठीक है भाई वहाँ लेके पाकिस्तान लेके बम तो उड़वा दिया, क्या जन्नत लेगा, सुसाइड बॉम्बर बनवा दी, देखनी जन्नत हमको नहीं देखनी, इसे तो वो देखनी जन्नत जुबैर, वो तो दिख लें इंस्टा पे, आगे छोरे बैठ गया, आगे छोरे भाई मेरे पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई तुम ग्लोस्टर की बुराई कर रहे हो, और ग्लोस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी फॉर्च्यूनर था, क्या बात है सच्चे का भैया, कौन सा करता ग्लोस्टर अच्छी गाड़ी है, उस छोरे ने बांध कहीं बांध लाएंगे, अबे यार मतलब पब्लिक को पता ही नहीं गाड़ी के बारे में, हाँ बल्कि वो तो डिब्बा उसके बारे में तो कहीं पता करना, सीरियसली चीज बताओ भाई, फीचर्स दे दिए भाई, बात है रिलायबिलिटी की, जब गाड़ी को मान लो कितनी वीडियोस देखी सब खड़ी है कहीं अटक रही है कहीं, वो देखी तूने अरुण वाली वीडियो, उसमें वहां स्पीति खड़ी है रुक के, तो क्या फायदा ऐसी गाड़ी का जो कहीं भी खड़ी हो जाए, मैं कह रहा हूँ भाई एक चीज बताओ, जैसे वो भी इतने की आवे फॉर्च्यूनर के प्राइस की आवे, तो पब्लिक वो ही क्यों ले रही है, मतलब भाई पब्लिक वो पब्लिक बता दे एक बात, कौन पब्लिक ले रही है, तूने रोड पे कितनी चलती देखता होगा, हाँ मतलब कम देखी है मैंने, बट स्टिल ले तो रही है पब्लिक, यार एक बात बता, कोई भी गाड़ी आएगी पब्लिक लेगी जरूर, बिल्कुल भाई लेगी ना, बट तू एक बार देख ले कि रोड पे चलते तेरे ग्लोस्टर ज्यादा देखेगी फॉर्च्यूनर, भाई फॉर्च्यूनर ऑब्वियसली भाई फॉर्च्यूनर देखते ना, पब्लिक पागल थोड़ी ना फॉर्च्यूनर ले रही है, नुकैनु का फीचर घने हैं, फीचर्स क्या फीचर्स है उसमें, सनरूफ हो गया और भाई वो सब हो गया भाई वो बस सनरूफ के अलावा क्या फीचर है, सनरूफ के अलावा भाई फीचर है उसमें कुछ भी नहीं है भाई, हवा चेक करने का टायर का प्रेशर बता देती है तेरे को, जानना है चीजें, हमें तो नहीं जाननी भाई चीजें, हम तो देख के बता दे कितना प्रेशर है, ये चीजें और ये चीजें जब टायर प्रेशर है तो ये हमेशा ऑन ही रहती है, उसके कहीं लाइट आती रहती है, अब जैसा जो प्रेशर बन रहा है मैं बता सकता हूँ, वो देख के बता दे मेरा प्रेशर बन रहा है, तो ये चीज है भाई, क्या फर्क है ऐसा बता गाड़ी के अंदर, इतनी बड़ी गाड़ी दे दी उसमें 18 इंच का, उसका कम से कम 20 इंच का टायर होते ना तब तो अच्छी लगती, छोटे छोटे टायर है, हमें नहीं पसंद है भाई,
तुम्हें पसंद है तुम्हारे लिए भाई, हमें पसंद है फॉर्च्यूनर। एक भाई लेके आया एम जी ग्लोस्टर, वो कह रहा नुकह रहा भाई बढ़िया गाड़ी है वो, मैं उसकी लेके आऊंगा कल, मगर पत्ता 4x4 ना है वो तो क्या ऑल व्हील ड्राइव है वो, जो भी हो देख लेंगे कल बैठ के कैसी है, अनुके हैंडल भी स्मूथ है, गणित सारी चीज बता रहा मैं, कोई बात ना हम आए भाई। एक बात बता, दो आदमी लगते तेरी गाड़ी स्टीयरिंग मोड़ने में, एक आदमी एक औरत लगे बस यार, नुके स्टीयरिंग स्मूथ है यार कल देखेंगे। ये सब कहने वाली बातें हैं, फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं कि गाड़ी अपना आप चली जाती है, जैसे एक्सयूवी में उसमें नहीं है वो, अरे कहां उसमें है, उसमें वो नहीं है एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, नहीं है ब्रो नहीं वो। जो चीज पसंद नहीं है वो चीज एक है, एक फैक्ट वाली बात है की गाड़ी का फीचर्स का क्या करोगे जब गाड़ी कहीं भी रस्ते में खड़ी हो। किसी ने मेरे को दिल पे चुबा दी वो बात की भाई फॉर्च्यूनर बेकार ले ली तुमने, एमजी ग्लोस्टर में ये फीचर है, तो मेरे दिल पे चुभ गई, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ यार, ना तो मैंने आज आज पहले बोली है। एक बात बताओ छोटी सी बात सोचने वाली बात है, अलविश तेरे बारे में सनरूफ है भाई? यस मैन है या। कितनी बार निकला तू गाड़ी में सनरूफ से? मैं जब चलाता हूँ जब सारे टाइम निकलूँ, मतलब नाड़ भर रहा है हाथ और ये पता भाई मैंने क्या करा, मैं इसमें तो निकल के सनरूफ में तो अंदर पड़ेगा चलती गाड़ी में, तो माँ कसम ये देखो इसलिए सनरूफ नहीं देता टोटा इसलिए तो पापा ने कही बिना सनरूफ वाली गाड़ी दूंगा ना साल कहीं मर जाएगा कहीं खाली रोड पे जाकर, ऐसे नहीं करते हैं लोग भाई। नया फीचर पता लगा मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर का, 10 सेकंड बाद 10 सेकंड होगी पर बंद क्यों ना हो रही हो अभी, कहा होगी भाई 10 सेकंड ना होगी क्या अभी, तो और ओह भाई भाई ज्यादा टाइम ले 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड ले भाई ताकि मालिक को रास्ता दिखे, 10-15-20 इतना सेट कर सकते हो मालिक को रास्ता दिखे इस वजह से। हाँ भाई नाइस, ये तो बढ़िया फीचर है, अंधेरे में खड़ी गाड़ी की लाइट ऑन हो जाएगी, है क्या ग्लोस्टर में। सो गाइस हम अपने मोटू के पास वापस आ चुके हैं, मोटा सारथी यहीं पे रहता, मैं क्या कह रहा था इसका क्षेत्र ये है, ये काले रंग की जो चद्दर है उस दिन भी यही बेच रही थी अब सेम यही, ठीक है खुश है, चलो शाबाश खुश ही रहना चाहिए। तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म, पता चली होगी तुम्हें ग्लोस्टर और फॉर्च्यूनर में कौन सी बढ़िया, कल बताऊंगा क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो ठीक है। लाइक कमेंट शेयर, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना आजकल, तो मैं चलो इसकी कसम तो क्या उठूँ मैं कह रहा हूँ इसकी कसम जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ये मैं नहीं मेरी मम्मी खतरे में नहीं आ जाएगी, तो मैं भाई अपनी मम्मी को कसम है भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना ठीक है, ओके बाय।